तसल्ली हो गई बच्चन साहब को नचाकर। खैर ये बचपन साहब है, ओरिजिनल नहीं है, नकली है? नहीं नहीं ओरिजिनल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एंजॉय कर सकते हैं सर ऐसे। सर आप तो जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जी। ये देखिए, ये प्रैक्टिकली नो क्या बात है? अरे बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये क्या है? यहां पर पिंक के प्रोड्यूसर बैठे हैं और पिंक का एक्टर बैठा है, तो कुछ ना कुछ पिंक तो होना ही चाहिए। प्रोड्यूसर बैठे हैं, आपने खाने पीने को अभी तक कुछ पूछा नहीं, कमाल करते हैं आप। ये लीजिए, ये क्यों दे रहे हैं आप? चीकू क्यों दे रहे हैं? इन्होंने हमें पीकू दी थी, हम इनको चीकू दे रहे हैं। थैंक यू। आप यहां आए मुझे बहुत खुशी हुई। यहां से ही इनके करियर की शुरुआत हुई थी। क्या बात कर रहे हैं, यहां से कहां? यहां इनकी पहली फिल्म थी। यहां मेरा एक सवाल था आपसे सर जी, जब यहां आई थी तब आप यहां नहीं आए थे। तो जब यहां आई और आप प्रमोशन के लिए यहां नहीं आए, तो आप यहां के लिए कहां गए थे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बच्चों जैसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। एक बच्चा होता है। एक मिनट, कहां गया? एक और बच्चा निकालें सर, आप निकालेंगे? ओह माय गॉड, यार ये मेरे को दे देना, मेरे को ना। आई नो, जो तीसरा बच्चा ना निकलेगा। सुजीता मेरे को दे दो यार, मैं अपने बच्चे के लिए लेके जाऊंगा, बड़ा क्यूट है ये। व्हाट अ वंडरफुल डायरेक्टर सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत ही संघर्ष के बाद, तपने के बाद जो है इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है। व्हाट अ वंडरफुल जर्नी यू हैव। सुजीता की मैं जर्नी दिखाना चाहूंगा। दिखाइए। स्मॉल सरप्राइज फॉर यू सर, देखिए। What a wonderful journey! एक मिनट, इसमें सुजीता कहाँ है? S3 अपर बर्थ में यही बैठे थे उसमें। Wow! खैर हमारे बीच में विकी कौशल, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये क्या है? खास अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बनाकर लाया हूं, खाकर जरूर बताइएगा कि हाउ इज द गोश। खैर बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत थैंक यू सर। डैड कैसे हैं आपके, हमारे बड़े अच्छे दोस्त? इज गुड सर। श्याम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्शन डायरेक्टर। और शत्रुघ्न सिन्हा जी आपके यहाँ आते जाते रहते हैं कि नहीं? वो क्यों आएंगे? वो पहले इनके घर आया करते थे। कैसे? और हमेशा कहते थे कि शाम आएगा तो कह देना कि छेनू आया। सुजीता अगर आप बुरा ना माने तो एक मिनट, में आपकी इजाजत हो तो। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि सरकार को चलाना मजाक का काम नहीं है, हमने सरकार को चला दिया। एक मिनट, आप गिरिएगा मत, नहीं तो लोग कहेंगे कि सरकार गिर गई है। वैसे अर्चना जी जी, केबीसी में आइए एक्सपर्ट बन के कभी। ये किस चीज की एक्सपर्ट है?
जब आपको पता है ये किसी चीज की एक्सपर्ट नहीं है, क्यों बिठा के रखा है? खैर एनीवे, आई हैव अ वंडरफुल डील फॉर यू सर. केबीसी में आप आइए, मैं सारे सवालों के जो जवाब हैं आपको पहले बता दूंगा. गुड गॉड. 5 करोड़ रुपए आप जीतेंगे, 2.5 आपका, 2.5 मेरा. और विक्की का? तो ठीक है, मेरे 2.5 में से 1 आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं. और मेरा? तो 1.5 में से 50 आप ले लीजिएगा. अर्चना जी का? मैं नहीं खेलता, जाओ. क्या बात हुई? क्या बात हुई? हेलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो. हेलो सेट मैक्स, सूर्यवंशम निकालो, हम अभी पहुंच रहे हैं. सर मैं मिलता हूं, बाय. सुजीता, हमारे गांव में एक करेक्टर है छेड़ूलाल जी, उनको बड़ा मजा आता सेलिब्रिटीज से सवाल पूछने का. तो आते नहीं है सामने, तो वो हमेशा ऑनलाइन आते हैं, वो आपसे विक्की से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. जी छेड़ूलाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? सुजीत साहब, विक्की साहब, नमस्ते. नमस्ते. अच्छा, ये जो कपूर शर्मा आपके पास बैठ रहा है, ये बड़ा कमाल का एक्टर है. अच्छा, इसे आप फिल्म में क्यों नहीं ले लेते? ये बात इसने मुझे कही थी आपसे पूछने की. कहता मैं पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगता. तो इसके लायक अगर आपके पास कोई फिल्म हो तो लेना मत, ये शो छोड़ देगा. ये बात मुझे अर्चना ने कही थी. कहती अगर इसको फिल्म मिल गई तो मेरा क्या होगा, मैंने तो अपना पार्लर भी बंद कर दिया है. अच्छा विक्की साहब, मैंने विक्की डोनर देखी, उसमें आप थे ही नहीं. उसमें आयुष्मान खुराना था. नहीं वैसे आपको होना चाहिए था. तो आप किसी और काम में बिजी थे या आप दान पुण्य में यकीन नहीं करते? सुजीत साहब, हमने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी जी का नाम जुम्मा है. नहीं मतलब कभी कभी वाइफ नाराज हो जाती है, तो आप फिर उनको गाना गा के मनाते हो कि जुम्मा जुम्मा दे दे? अच्छा विक्की साहब, आपने पहली बार दारू पी मसान के सेट पे और सिगरेट भी रमन राघव के सेट पे. तो आपके पिताजी कहते नहीं कि ये अनुराग कश्यप तुम्हारा करियर बना रहा है कि तुम्हारी आंखें बिगाड़ रहा है? ये तो सच में कहते. अच्छा सुजीत साहब, गुलाबों सिताबों में बच्चन साहब अपना घर खाली करवा रहे हैं और पीकू में अपना पेट खाली करवा रहे थे. तो बच्चन साहब ने आपसे कहा नहीं कि जो भी खाली करा रहे हैं एक ही बार में करा लो? आपका जो फ्री में डायलॉग था ना कि हाउ इज द जोश हाई सर, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा, तो मेरे को ये पूछना था कि जब आप कभी अपनी मेड को आवाज देते हो तो वो क्या बोलती है, आई सर के हाई सर? अरे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.